है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्रेन कंप्लीट किया, जिसमें हमने ब्रेन के 3 रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ा, और जिसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, ये सब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। तो आज हम लोग CNS का जो सेकेंड पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड, उसको स्टडी करेंगे। तो उसको स्टडी करने से पहले एक टर्म होता है ब्रेन स्टेम। तो आइए पहले हम लोग ब्रेन स्टेम के बारे में जान लेते हैं। ब्रेन स्टेम क्या होता है? तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम होते हैं वो हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं, और ऑप्टिक लोब्स जो होता है वो मिड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम कुछ नहीं, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो रीजन है ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है साथ में, ये इतना मिड ब्रेन के साथ ये सब एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो ब्रेन स्टेम होता कुछ नहीं है, मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन रीजन है, जो मिड एरिया है, प्लस पॉन्स, प्लस मेड्यूला, ठीक है, सेरिबेलम, क्योंकि अलग हो जा रहा है। स्ट्रेट लाइन में क्या है? मिड ब्रेन का जो ना स्ट्रक्चर, ये जो ऑप्टिक लोब्स है, ये चार होते हैं। हम लैटरली देख रहे हैं तो हमें दो दिख रहा है, एक उस साइड भी होगा पीछे। तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन तीनों एक साथ होता है, तो इसीलिए हम लोग इन दिनों को क्या बोलते हैं, एक साथ ब्रेन स्टेम। आप बस इतना ही जान लीजिए कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, CNS का पार्ट है। एक और पार्ट क्या था? ब्रेन। अप्रॉक्स 45 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर इन लेंथ होगा। अगर हम लोग इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो सबसे बाहर क्या होगा? एक फैट का डिपोजिशन होगा। बाहर से अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। ब्रेन में हमने क्या देखा था? पहले बाहर क्रेनियम था, उसके बाद ड्यूरा मैटर था, उसके बाद अरेक्नोइड स्पेस था, फिर पाया मैटर था, फिर सेरिब्रम स्टार्ट हुआ था वहाँ से। लेकिन इसमें क्या है कि ड्यूरा मैटर के ऊपर भी एक फैट का डिपोजिशन होता है, इसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल लेयर। खैर, आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सबसे बाहर क्या होगा? फैट का डिपोजिशन, उसके बाद कौन सा लेयर होगा? ड्यूरा मैटर। थर्ड लेयर जो होगा वो क्या था? एरेक्नोइड। ब्रेन में जैसा था वैसा है यहाँ होगा, बस एक फैट का डिपोजिशन, एक अलग लेयर होता है सेफ्टी के लिए। जो थर्ड लास्ट होगा वो क्या होगा? पाया मैटर। और क्या, जो कैविटीज होंगे, जो कैविटी होगा, खाली स्पेस होगा, वो भी किससे फिल्ड होगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। CSF, ठीक है, CSF से फिल्ड होगा। काम क्या है भाई? शॉक से बचाना, डैमेज से बचाना, इंटरनल डैमेज से बचाता है। तो ये था आपका प्रोटेक्शन के बारे में, कैसे प्रोटेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको बस याद रखना, फैट डिपोजिशन होगा, बाकी तीनों लेयर जो ब्रेन में था वैसा ही होगा, और CSF फ्लूइड भी होगा। नाम क्या था? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन में था ही, सेरिब्रो वर्ड स्पाइनल कॉर्ड को हेल्प करेगा प्रोटेक्ट, इसीलिए क्या नाम रखेंगे? CSF से। चलिए, तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं कि होता क्या है। तो
ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ये ब्रेन स्टेम का जो पार्ट है, ये आगे इलोंगेट करता है, ठीक है, मतलब आगे कंटिन्यू करेगा और क्या बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। कहाँ होगा? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो कनाल होता है, जो वैकेंट स्पेस होता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। कैसे बनता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो आगे चलकर अपने आप को कंटिन्यू करेगा उस पाथ में, तो स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। 45 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है अप्रॉक्स, कहीं कहीं 40 टू 50 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हम लोग 45 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है। आपको इतना ही जाना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके बुक में इतना भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानना ज़रूरी था। यहाँ से क्या होता है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलता है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, समझ में आ रहा है? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलेगा ब्रेन से, कितना था, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व वहां से बाहर की तरफ निकलता है, जो सेंसरी होगा, मोटर होगा, मैसेज। तो ये था। और अगर हम लोग बात करें तो अब ब्रेन से कितना पेयर है, 12 पेयर, इससे कितना है, 31 पेयर। तो ऑफ कोर्स ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी में जितना भी नर्व है, मैक्सिमम नर्व कहाँ आकर ज्वाइन होगा या कहाँ आकर मर्ज करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में आकर मर्ज करेगा। स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि मेड्यूला का पार्ट है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। पॉन्स का काम क्या है, कनेक्ट करना सेरिब्रम को हाइंड ब्रेन से, यहाँ से कनेक्शन होगा, फिर ये मैसेज सेरिब्रम तक जाएगा, वहाँ लोब्स होते हैं, उसमें जिस लोब का जो फंक्शन होगा वो उस फंक्शन को करेगा, फिर मैसेज आएगा, फिर वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व के थ्रू फिर भेजेगा। तो एक पाथ है ब्रेन तक पहुंचाने के लिए मैसेज, क्योंकि ज़्यादा नर्व है इससे तो ऑब्वियस है मैसेज भी ज़्यादा ही आएगा, तो ये मैसेज को कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ब्रेन में। अब पॉन्स की बात किए थे हम लोग, तो इसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक तो क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है सेरिब्रम को हाइंड ब्रेन से, दूसरा एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, शैलो ब्रीदिंग, फास्टर ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांस लेंगे लेकिन कम कम एयर इनहेल करेंगे। तो ये सब फंक्शन किसका होता है, पॉन्स का। मेड्यूला का हमने पढ़ा था इनवॉलेंट्री एक्शंस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन, यूरिनेशन, डिफिकेशन, पेरिस्टाइलिस मूवमेंट जो होता है, वासोमोटर जो बीपी को कंट्रोल करता है, वो सभी चीज़ें कौन करेगा, मेड्यूला। सेरिबेलम के बारे में पढ़े ही थे हम लोग, बॉडी पोस्चर बैलेंस। तो ये था आपका स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इसके फंक्शन में आता है एक फंक्शन क्या, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करता है। कहने का मतलब कि सपोज कोई स्टिमुलस आया जो कि हार्मफुल है, सपोज आप बैठे हुए हैं, कोई बगल में कैंडल है सपोज कीजिए, या कोई हॉट सब्सटेंस है, उसको आप टच किए, तो टच किए तुरंत वहाँ से हाथ हटाए, तो ये जो रिस्पॉन्स हुआ, स्टिमुलस क्या था, हॉटनेस ऑफ द बॉडी, जो हॉट सब्सटेंस था उसको आपने टच किया, डेंजर है, हाथ तुरंत अपने हटाया, विड्रॉ किया वहाँ से। तो ये जो पूरा एक्शन हुआ, क्विक एक्शन हुआ, इमीडिएट एक्शन हुआ, तो इस एक्शन, इस टाइप के एक्शन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। कहने का मतलब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन में क्या आता है, परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, सबसे पहला इनवॉलंटरी होता है, इमीडिएट होता है, तुरंत एकदम, लेट नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि गर्म सब्सटेंस है उसके बाद आराम से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड भी हाथ रखे हुए हैं, डैमेज हो जाएगा टिश्यू को। इमीडिएट रिस्पॉन्स
हुआ, अपन रिस्पॉन्स किसको करेंगे, स्टिमुलस को करेंगे, ठीक है। सडन चेंज हुआ, स्टिमुलस आया, मैसेज इम्पल्स के थ्रू कौन लेके गया, न्यूरॉन। नर्व किसका बना हुआ होता है, न्यूरॉन का ही बना हुआ होता है। कहाँ ले गया, पहले कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब टाइम क्योंकि कम लगे, एक तो भाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है तो बहुत कम टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन उसको और मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड उसको कमांड दे देता है उस नर्व को कि भाई तुम ही हटा लो। हाँ, तो मतलब कमांड लेकर जाना था कहाँ तक, ब्रेन तक, लेकिन रास्ता में मिला कौन, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि नर्व कहाँ आकर ज्वाइन हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, पहला तो ब्रेन तक मैसेज ले जाता, सब तक लेट हो सकता है, सब थोड़ा सा ही लेट होगा, लेकिन सपोज कीजिए कि लेट होगा, मान लीजिए तो लेट ना हो तो स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या अथॉरिटी है कि मैसेज को ना पहुंचाकर वहीं से स्पाइनल कॉर्ड कमांड दिया कि हाथ हटाओ वहां से, रिफ्लेक्स तुरंत वहां से हाथ विड्रॉ करो, उसके बाद मैसेज भेजा ब्रेन तक, ठीक है। आइए हम लोग इसको एक फिगर से समझ लेते हैं क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन समझ लिए, इनवॉलेंट्री इमीडिएट रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स किसके लिए होगा, स्टिमुलस के लिए होगा। अगर फिगर को हम लोग देखें तो सपोज कीजिए यहाँ कोई हॉट, आपके बुक में बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है, हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अपना अपना आपने अपना हैंड रखा, सपोज ये कोई हॉट सब्सटेंस है, यहाँ पे मैंने अपना हाथ रखा, हॉट है, हाथ हटाएंगे तो वो हॉट, उस हॉटनेस को फील कौन किया, स्किन का टिश्यू, उसको रिसीव कौन किया, स्किन का टिश्यू। वहाँ उसके बाद ना वहाँ से जो न्यूरॉन ज्वाइन है, उस न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर गया, लेकिन पहले कौन किया, स्किन का टिश्यू। तो यहाँ पे जो स्किन टिश्यू है वो क्या काम करेगा, रिसेप्टर का। तो क्या होगा, जो हॉट ऑब्जेक्ट है इसको रिसीव करेगा, रिसेप्टर क्या होगा, स्किन, हमने हाथ से छुआ खैर तो स्किन टिश्यू। यहां पे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है भैया, ब्रेन ऊंचा है तो थोड़ा ब्रेन को इज्जत देंगे, उसको थोड़ा ऊपर बनाएंगे। यहां क्या बना दिए, ब्रेन, ठीक है। अब स्किन क्या किया, उसको टच किया, ऐसे सपोज टच किए तो जो न्यूरॉन है वो यहाँ से मैसेज लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। तो हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो पढ़ा था कि जो एक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, CNS और PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें दो तरह के न्यूरॉन्स पड़े थे, एक सेंसरी या एफरेंट और एक मोटर या इफरेंट। सेंसरी को क्या बोलते हैं, एफरेंट, याद रखने का तरीका आप सेम याद रखिए, सेम सेंसरी एफरेंट मोटर इफरेंट। एफरेंट का काम ले आना, इफरेंट का काम ले जाना, ठीक है। तो लेकर कौन आया स्पाइनल कॉर्ड तक, तो नाम क्या रखेंगे इसका, सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। कहां तक लेके गया, स्पाइनल कॉर्ड तक। अब यहां से क्या किया कि ये मैसेज कमांड भेजा इसको कि हाथ हटाओ, सपोज क्या भेजेगा ये, तो भेजा, तो लेकर अब जा रहा है, तो कौन लेकर जाएगा, मोटर न्यूरॉन और इफरेंट, ठीक है। यहां पे स्किन फील किया कि
हॉटनेस है, हॉट सब्सटेंस है, वहाँ से मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड तो स्किन को मैसेज भेजेगा नहीं कि भाई तुम स्किन कॉन्ट्रैक्ट करो, तो उस रीजन का ही उससे मूवमेंट तो होने वाला है नहीं। मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मसल्स। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में जब आपने टिश्यूज़ पढ़े होंगे, तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो आर्म्स का मसल है, जो शोल्डर का मसल्स है, सपोज हमने ऐसे टच किया, मैसेज तो जाएगा ही क्योंकि टच कॉन्टैक्ट में कौन सा बॉडी पार्ट है? स्किन का जो फिंगर्स है वो, वहाँ से मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड तक। जो मैसेज आएगा तो वो स्किन तक ना जाकर एक मसल्स तक आएगा, एक पार्टिकुलर मसल्स तक, और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ से जो मूवमेंट होगा वो होगा। मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ तो यहाँ का जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरा स्किन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने हाथ हटाया, और मसल्स हमेशा अपना फुल टेंडेंसी में करेगा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स। रिलैक्स करेगा तो पूरा रिलैक्स करेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या तो होगा नहीं तो नहीं होगा। जैसे न्यूरॉन था कि या तो मैसेज भेजेंगे, जितना उसका कैपेसिटी है उतना का इम्पल्स क्रिएट करेगा, या नहीं करेगा, ठीक है? वैसे ही तो जो मसल है यहाँ पे, मसल के पास क्या हुआ, लेकर गया। अब मसल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, तो हाथ हट जाएगा वहां से। तो रिसेप्टर क्या हुआ? रिसीव कौन किया? स्किन टिश्यू। और जो मसल्स यहाँ पे इफेक्टर है, इस पे इफेक्ट हुआ, मैसेज आया और यह कॉन्ट्रैक्ट किया, जो हाथ था वो वहाँ से विथड्रॉ हो गया, मतलब हट गया। तो ये था आपका रिफ्लेक्स एक्शन। अब क्या होता है कि जो न्यूरॉन है, सपोज ये तो एक सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, अलग अलग होगा ही, लेकिन इसमें भी दो केस होता है। कभी कभी क्या होता है कि सपोज डेंड्राइट मैसेज को रिसीव किया, जो सेल बॉडी होता है डेंड्राइट, फिर एक्सॉन के थ्रू वो जो इम्पल्स है वो गया, फिर वहाँ से क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन में जंप करेगा। तो क्या होता है कि या तो ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, सपोज देखिए यहाँ आया, सेंसरी न्यूरॉन ख़त्म हुआ, ये इसका एक्सॉन एंडिंग है, यहाँ से मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, ठीक है? यहाँ से सपोज डेंड्राइड है उसका, तो साइनेप्सिस दोनों में होगा, सेंसरी और मोटर आपस में मिल जाएंगे, फिर कंडक्शन होगा। लेकिन एक और केस कभी कभी क्या होता है कि बीच में एक और न्यूरॉन होता है, यहाँ पे सपोज एक और न्यूरॉन है जो सेंसरी और मोटर के बीच में है, तीनों साइनेप्स में है, तीनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो ये ट्रांसफ़र करेगा इसको, फिर ये इसको, फिर यहाँ से ये इसको आएगा। तो ये जो न्यूरॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन। बीच में है तो रिले न्यूरॉन बोलेंगे। आपके बुक में फिगर दिया है, उसमें दिया होगा रिले न्यूरॉन। तो होता क्या है, कुछ नहीं, सेंसरी और मोटर के बीच में अगर और न्यूरॉन आ गया, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? रिले न्यूरॉन। ये तो सेंसरी है या मोटर है। और जो पूरा पाथ हुआ यहाँ से, ये जो पूरा पाथ है, ये पाथ कवर हुआ यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, पूरा द होल पाथ न्यूरॉन कवर्स, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। ये इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क, ये पूरा डिस्टेंस है वो कवर हुआ। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, कौन परफॉर्म करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। अब क्वेश्चन यहाँ क्या होना चाहिए? मैंने कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड कमांड दे देगा, लेकिन ब्रेन तक मैसेज जाएगा। क्यों जाएगा? जब कमांड होंगे तो काम ख़त्म हो जाना चाहिए, फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करना, फालतू का न्यूरॉन को तंग क्यों करना। लेकिन अगर हम लोग सोचें कि अगर ये मैसेज ब्रेन तक नहीं गया तो काम, मेमोरी को स्टोर कौन करता है? ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन में तो हमने पढ़ा नहीं है कि उसका भी अपना एक मेमोरी होता है, काम किसका है? ब्रेन का। तो एक यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मैसेज ब्रेन तक इसलिए गया
सब काम होने के बाद भी, ताकि उसको रिमेम्बर रख सकें। सपोज़ कोई बच्चा होता है, उसको कोई चाइल्ड है, उसने गलती से किसी गर्म सब्सटेंस को हाथ लगाया, हॉट सब्सटेंस को हाथ लगाया और हाथ हटाया। अब वो मैसेज ब्रेन तक इसलिए गया ताकि वो उसको रिमेम्बर रख सके, उसको मेमोराइज कर सके कि भाई वो सब्सटेंस डेंजर है, वो हॉट है, वैसे सब्सटेंसेस को नेक्स्ट टाइम से हम लोग टच नहीं करेंगे। वो मेमोरी हो गया, और कोई कारण नहीं, बस कारण ही ताकि वो मेमोरी में स्टोर हो जाए, हमें याद रहे कि वो जो सब्सटेंस है वो डेंजरस है, तो उससे हम दूर रहें नेक्स्ट टाइम। तो ये गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमने स्पाइनल कॉर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया, उसका फंक्शन जो कि रिफ्लेक्स एक्शन है, और जो पाथ जो कनेक्ट करता है ब्रेन को पूरे बॉडी से, कनेक्ट तो वही ना कर रहा है, सारा न्यूरॉन आकर नर्व कहाँ मिल रहा है, 31 पेयर है स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, फिर वो ब्रेन में जाएगा, 12 नर्व ही है भैया, 12 नर्व इतने बड़े बॉडी में कहाँ जाएगा। तो ब्रेन को कॉन्टैक्ट में रखता है पूरे बॉडी से, दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन का फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड के पास ब्रेन ने अथॉरिटी दे चुका है। जैसे कि बड़े बड़े कंपनी में जो CEO होते हैं, सपोज कीजिए जो MD है, जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हेड है, मैनेजर्स किस लिए होते हैं, ताकि उसके एब्सेंस में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो मैनेजर उसको हैंडल कर सके। तो वैसे ही इमरजेंसी में क्या होगा, इन इमरजेंसी सिचुएशन इमीडिएट एक्शन लेगा कौन लेगा, स्पाइनल कॉर्ड लेगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन वही कमांड करके कहानी ख़त्म करेगा। तो इस तरह से हमने स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट कर लिया। अब बचा क्या, अब हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स इन प्लांट्स, कुछ हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं प्लांट का मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हमारे जो एनिमल्स में जो हॉर्मोन्स हैं, मेन हम ह्यूमंस की बात करेंगे क्योंकि हमें ह्यूमंस का ही पढ़ना है, तो ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने स्पाइनल कॉर्ड में बताया था, याद रखना आपको क्या है, ब्रेन में क्या था, ग्रे मैटर बाहर था, वाइट मैटर अंदर था। इसमें क्या होता है, वाइट मैटर आउटसाइड, ग्रे मैटर इनसाइड। और ब्रेन में उल्टा था, ग्रे मैटर बाहर था और वाइट मैटर अंदर था। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रोथ हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।